भारतीय जो जीवन पद्धति है और जो हमारे मसाले हैं, विदेशी बहुत इसकी क्रिटिसाइज करते थे। काली मिर्च को साउथ में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो अब समझ में आ रहा है कि वो काला सोना क्यों है। उसको और अदरक और सौंठ और ये सब चीज़ें हैं, इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी का पत्ता, पहले के ज़माने में लोग गुड़, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद अतवन से, और उसको खाते थे। अब वो प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उस प्रथा को फिर से हमको वापस लाना चाहिए कि सुबह मुंह धोने के बाद गुड़, तुलसी का पत्ता और काली मिर्च खाएं। अगर वो एक नियम बन जाएगा रोज़ खाने का, तो अपने आप इम्यूनिटी को बढ़ा दे। उसका काम इम्यूनिटी बूस्टर है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक छोटी सी बात है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती है। हर सर्दी जुकाम का मरीज कोरोना का मरीज नहीं होता है। डरना जरूर चाहिए आदमी को, लेकिन डरने का मतलब यह है कि आप अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, मास्क लगावें, हाथ को सैनिटाइज करें, एक निश्चित दूरी बना के रखें। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप सर्दी जुकाम हो गया तो आपको कोरोना हो गया। 4-5 दिन तक आम सर्दी जुकाम और कोरोना के लक्षणों में कोई अंतर नहीं है। खांसी, सर्दी जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, इस सब में होगा। उसके बाद जब इसका वायरस लोड बढ़ेगा, वो रिप्लिकेट करेगा, तब कोरोना के लक्षण आते हैं। तब वो गले में खराश होगा और फेफड़े में जाएगा, तो फिर उसको सांस फूलने की तकलीफ पैदा होगी। सांस फूलने की तकलीफ जब पैदा हो, तब समझ जाना चाहिए कि ये आम सर्दी जुकाम नहीं है, ये कोरोना हो सकता है, और उसकी जांच कराएं। जांच कराने के बाद उनको एडमिट होना चाहिए, उसको घर पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हालत बिगड़ते देर नहीं रहेगी। इसमें सारा खेल 14 दिन का है। बीमारी शुरू होने से 14 दिन के अंदर या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो महीने दो महीने तक पड़ा हुआ है। अगर आपको 10 दिन से सर्दी जुकाम है, 12 दिन से सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, तो ये तय मान लीजिए आप कि आपको कोरोना नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। 10-12 दिन से अगर सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, तो वो कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने दिन में तो अपने पूरे पीक पर आ जाएगा। आपकी सांस फूलने लगेगी, आपके हृदय को तकलीफ देगा, खून की नसों को तकलीफ देगा, गुर्दे को तकलीफ देगा, तो हो सकता है कि आप वेंटिलेटर पर चले जाएं 14-15 दिन पे। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है और बचाव की आवश्यकता है। बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक बार आप बीमार पड़ जाएंगे तो अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो 14 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। हल्के लक्षण आपके अंदर आते हैं तो हो सकता है और 10 दिन लगे, ठीक हो जाएंगे, हल्के फुल्के इलाज से ठीक हो जाएंगे। लेकिन 5-7% मरीज ऐसे होते हैं जिनको भर्ती होना पड़ता है, वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। मृत्यु दर यद्यपि बहुत कम है, 2.3-2.4, मतलब 3 से कम ही मृत्यु दर है, वो भी ऐसे लोगों की जिनको सांस की बीमारी है, ब्रोंकल अस्थमा COPD की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या HIV वगैरह है जिन लोगों को, तो ऐसे लोगों के अंदर ही मृत्यु दर है। जो जिनकी मृत्यु हो रही है वो ऐसे ही कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग ही मर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। अब देखिए, ये संदेश समाज में गया और समाज में संदेश जाते ही लोग निडर हो गए कि ये एक एज ग्रुप ऐसा है जिसको मरने वाला नहीं है, वो मरेगा नहीं। जब उनको ये मालूम हो गया कि हम मरेंगे नहीं, तो बेधड़क वो सड़क पर घूम रहे हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन वो बीमारी को फैला रहे हैं, वो अनजाने में फैला रहे हैं, और उसको फैला रहे हैं जिसके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसकी मृत्यु हो सकती है।
इसलिए इससे बचाव सबको करना चाहिए, आयु वर्ग चाहे जो भी हो, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहे जितनी भी हो, आप बिल्कुल अमर होकर पैदा हुए हों तब भी आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अमर आप हैं, दूसरा आदमी अमर नहीं है, आप उसको फैलाएंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप बचाव करेंगे तो सर्दी जुकाम भी दूसरे को नहीं होगा, आप ही के परिवार के सदस्य को दूसरे को सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। सर्दी जुकाम होने का मतलब आज के ज़माने में तनाव पैदा होना कि ये कहीं कोरोना तो नहीं, और मेंटल टेंशन जो मरीज को हो जाता है वो एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी बीमारी है। वो तनाव के साथ जीना, वो रोज़ सोते जागते अपना बुखार देखेगा, अपनी नाड़ी देखेगा, अपना दूसरे से पूछेगा हमारी सांस तो नहीं फूल रही है, देख के बताओ, वो तनाव में रहेगा। भारतीय जो जीवन पद्धति है और जो हमारे मसाले हैं, विदेशी बहुत इसकी क्रिटिसाइज करते थे, काली मिर्च को साउथ में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो अब समझ में आ रहा है कि वो काला सोना क्यों है, उसको और अदरक और सौंठ और ये सब चीज़ें हैं, इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी का पत्ता, पहले के ज़माने में लोग गुड़, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद अतवन से, और उसको खाते थे। अब वो प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उस प्रथा को फिर से हमको वापस लाना चाहिए कि सुबह मुंह धोने के बाद गुड़, तुलसी का पत्ता और काली मिर्च खाएं। अगर वो एक नियम बन जाएगा रोज़ खाने का तो अपने आप इम्यूनिटी को बढ़ा दे, उसका काम इम्यूनिटी बूस्टर है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देखिए इम्यूनिटी कोई सब्जी नहीं है कि आप गए और खरीद कर लेके चले आए, खाने पीने की वस्तु नहीं है कि बाजार में बिक रही लेके चले आए, वो धीरे धीरे बनती है शरीर में। अगर हम वैक्सीन भी लगा दें तो उस वैक्सीन का असर आने में भी 10 दिन से 21 दिन के बीच का समय लगता है। जहाँ पे हम डायरेक्ट वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें इतना समय लगता है, तो जहाँ शरीर को खुद बनाना है उसमें कितना समय लगेगा, वो 2-4 दिन 10 दिन का काम नहीं है कि आपने आज से शुरू किया और 4 दिन के अंदर आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा अगर आप उसको करते रहेंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा, कोरोना हो चाहे कोई और दूसरी बीमारी हो, सबसे आप बच सकते हैं। उसके लिए नियमित जीवन और व्यायाम, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा सात्विक भोजन। व्यायाम करिए, नियमित जीवन शैली अपनाइए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी।